से 80 किलोमीटर दूर से आया है और उनसे मिलाएंगे, उनसे बातचीत करते हैं। चलिए उनका एक्सपीरियंस कैसा है। आपको जो एक्स्ट्रा हम दे सकते हैं डॉग फूड के अलावा, वो सारी बातें हो गई। अगर आपको भी इसमें से कुछ भी पसंद आता है तो जरूर ट्राई कीजिए घर में। तो आज आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ हमारा आज का डॉग ब्रीड। और जो कस्टमर हमारे पास आया है वो यहाँ से अप्रोक्सीमेट 70 से 80 किलोमीटर दूर से आया है और उनसे मिलाएंगे, उनसे बातचीत करते हैं। चलिए उनका एक्सपीरियंस कैसा है डॉग के मामले में, और डॉग के मामले में जो भी उनकी जानकारी होगी, क्वेरीज होगी, वो सारा कुछ उनसे पूछा जाएगा, बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा आज का हमारा जो डॉग ब्रीड, हमारा आज का डॉग ब्रीड जो कि लैब्राडोर का फीमेल पपी है, ये फुल जेड ब्लैक कलर में है, जो कि आपको हमेशा फॉन कलर, ब्लैक कलर, इसमें तीन कलर चार कलर आते हैं, जो कि ये ब्लैक कलर काफी फेमस है, बहुत लोग लेते हैं ब्लैक कलर। और आज ये हमारा डॉग ब्रीड जा भी रहा है ब्लैक कलर में। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे कस्टमर से, और आपको ये डॉग की क्वालिटी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी दिखाते रहे। लगभग 2.5 kg के आसपास, और ये बच्चा आपका 35 डेज ओल्ड है। चलिए आज मिलते हैं हमारे कस्टमर से। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? नीतीश कुमार मिश्रा। नीतीश कुमार मिश्रा। मिश्रा पकड़िए अपना डॉग। और एड्रेस क्या है भैया, कहाँ से आए हैं आप? नालंदा जिला से आया, लगभग 7-17 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। नालंदा जिला से? नालंदा में कहाँ पे भैया? नालंदा में इस्लामपुर जगह का नाम। अच्छा, इस्लामपुर, वहीं से। तो चलिए भैया आए इस्लामपुर से, नंबर कहाँ से लिया था भैया आपने? मैंने इनका मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब में, वैसे हमको नंबर मिला और वही संपर्क इनसे, और यहाँ आने को बहुत अच्छा लगा, डॉग अच्छी है। और भैया आपने पहले कभी डॉग पाला है या फर्स्ट टाइम है आपका? डॉग मैंने पाला पहले। अच्छा, पवेलियन पाला था। अच्छा, इंडियन स्पिट आपने पाला है पहले। चलिए तो इनको पहले खास थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होगा ही, डॉग को क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, और बाकी डिटेल मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। और मेरे बाकी वीडियोस आप आई बटन में चेक कर सकते हैं, वहां पे भी वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने डाइट बताया है। तो भैया ऐसे तो आप अभी सारा एक कस्टमर भी थे तो उनको बताए, तो अगर आपको कुछ और जानना है कि हाँ क्या कुछ खिलाना पिलाना या कुछ ऐसा, तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगर जानकारी है तो। जैसे इसके सिवा और कुछ खिला सकते हैं? तो इसके सिवा खिला सकते हैं आप बहुत कुछ। जैसे अभी आप 15 दिन गैप कर दें, ठीक है, 15 दिन आप मिस कर दीजिए, उसके बाद आप दही के साथ चावल खिला सकते हैं, वेजिटेबल और चावल दोनों एक साथ बॉइल करके खिला सकते हैं, चिकन चावल भी दे सकते हैं आप, क्वांटिटी नॉनवेज नहीं देना आपको, कोई बात नहीं, वेज में दे सकते हैं, दही आप दे सकते हैं, सोयाबीन दे सकते हैं, सोयाबीन चावल दे सकते हैं, ये सब यूज कर सकते हैं, दही के साथ रोटी या चावल भी यूज कर सकते हैं, ये सब आप एक्स्ट्रा फूड में यूज कर सकते हैं। गेहूं का दलिया है वो भी आप अगर डॉग को अपने खाने की आदत बना लेते हैं वो सबसे बेस्ट फूड। तो ये सारा कुछ हो गया, आपको जो एक्स्ट्रा हम दे सकते हैं डॉग फूड के अलावा, वो सारी बातें हो गई। अगर आपको भी इसमें से कुछ भी पसंद आता है तो जरूर ट्राई कीजिए घर में। जब ट्राई करेंगे तो बहुत कम अमाउंट में ट्राई करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं, ठीक है भैया। चलिए अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताएं कि आपको वीडियो में सबसे मेन पार्ट कौन सा अच्छा लगा, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Story's over now, I must conclude. I am confused.
said, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. Take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are.